सियासी चल। फसादात की बात आई है तो ऐसा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है स्क्रूटनी थी आज, तो अल्लाह के फजल से हमारा नॉमिनेशन पेपर सेलेक्ट हो गया है और अब हम जो है कैंडिडेट, पक्के कैंडिडेट बन गए हैं। अब सुबह में 11 बजे से, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और 3 बजे से 6 बजे तक पूरा संतोष नगर डिवीज़न का पदयात्रा हुआ। खलंदर नगर, संतोष नगर, मामा हसनाबाद, डायमंड कॉलोनी, यानी मुख्तलिफ पूरा संतोष नगर म्यूनसिपल डिवीज़न का पदयात्रा हुआ, डोर टू डोर हुआ। पूरे लोगों से हम अपील किए, सबसे पहले तो हमारा जो सिंबल है वो 15th के दिन आएगा सिंबल। वो क्या सिंबल आएगा वो फिर से हम और एक एक्सटेंसिव पदयात्रा करेंगे फिर से। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोगों में ये अवेयरनेस लाना चाह रहे हैं कि मैं जब भी मकान पे घरों पे जा रहा हूँ तो लोग हमारे चाहने वाले हैं, तो मैं उनको पूछ रहा हूँ कि भाई आप कितने वोट है, तो कोई बोल रहा 8 वोट, 10 वोट, 15 वोट भी बोल रहे हैं। आप कितने वोट डाले, तो बोल रहे हम 1 डाले, 2 डाले। तो हम ये अवेयरनेस ला रहे हैं कि जिसके घर में अगर 10 वोट है, वो लोग अगर अमजदुल्ला खान की मोहब्बत में 1-8 वोट डाल के आ जा रहे हैं वापस, तो वो 9 वोट बोकस हो रहे हैं। यानी अगर 1 वोट बोकस हो रहा तो मैं 2 वोट पीछे हो जा रहा हूँ मैं, तो उसकी वजह से हम ये पब्लिक में अवेयरनेस ला रहे हैं। दूसरी चीज़ जो है, मैं अभी ये पूरा संतोष नगर डिवीज़न फिरा, मैं पूरा पोल कोड का वायलेशन हो रहा, ऑल गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़, यानी इलेक्ट्रिक पोल्स पे और आपके टेलीफोन बूथ्स पे और आपके जो गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस है उसके ऊपर पूरे जो AIMIM के कैंडिडेट के झंडियाँ लगे हुए हैं। पुलिस वाले एक तरफ हमारे साथ सख्ती कर रहे हैं, हमको ये बोल रहे हैं कि भाई 5 मिनट भी अगर आपका पदयात्रा या दौरा बढ़ गया तो हम केस बुक करते। इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस संतोष नगर और IS सदन, दो एरिया लगते ही है। IS सदन इंस्पेक्टर साहब क्या करे कारनामा, हम जलसा डाले थे हसनाबाद मस्जिद कने, मस्जिद हसनाबाद कने, हमको उन्हों झूठ बोले, ये बोले कि वहाँ ऑलरेडी MIM अप्लाई करी, आप लोग कहीं दूसरी जगह लियो बोले, तो हम मुमताज़ पार्क में जलसा कर रहे हैं। तो ये हो गया, IS सदन के इंस्पेक्टर हमारे को झूठ क्यों बोले, हम इसके ऊपर जो है इनके ऊपर इंक्वायरी डिमांड करते हैं। दूसरी चीज़ ये है, पदयात्रा में मौजूद थे हमारे संतोष नगर इंस्पेक्टर साहब, बहुत ही सख्त इंस्पेक्टर है, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ उनको, उनके पूरे एरिया में गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ को जो है झंडियाँ लगे हुए हैं। तो पहले तो वो निकालना अलग चीज़ है, आप जाओ बल्दिया में कंप्लेंट करो, निकालो नहीं, पोल कोड वायलेशन के ऊपर जो है केस बुक करना है। तो मैं दोनों इंस्पेक्टरों से गुजारिश करूंगा कि आपके ऊपर भी कोई बड़े सीनियर ऑफिसर से अगर हम कमिश्नर को कंप्लेंट करेंगे, हमारे चीफ इलेक्ट्रल ऑफिसर को कंप्लेंट करेंगे, तो आप लोगों के ऊपर एक्शन होगा। हम नहीं चाह रहे हैं कि आपको कोई रिमार्क आए, आप अपनी ड्यूटी करिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। नहीं देखिए, हम जो है वन वे ट्रेन है, हम पीछे पलट के देखने वालों में से नहीं है, मेहनत करते रहना है हमारा काम, हार जीत अल्लाह के हाथ है। अगर मैं कौम के मफाद में हूँ तो अल्लाह ताला मुझे जिताएंगा, अगर नहीं जिताएंगा तो अल्लाह की क्या मर्ज़ी रहेंगी, हम दूसरा काम करेंगे इंशाल्लाह। तो कोशिश करना है, मैदान जंग में दौड़ना है, उठ खड़े रहना है, घर में बैठ के जो है तनखीदा करना नहीं है।